हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो काला डिब्बा आप देख रहे हो, आप देख सकते हो ब्लैक कलर का है। इसका काम क्या है? ये 220 वोल्ट खाता है और हमें 12 वोल्ट देता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो 12 वोल्ट का अडेप्टर या फिर SMPS बोल सकते हो। अगर आप 12 वोल्ट का अडेप्टर या फिर SMPS मार्केट से खरीदोगे तो कितने में आएगा? वो लगभग 250 या फिर 300 के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसको घर पर बनाओगे तो आपके ये 220 या फिर 30 के रुपए के अंदर ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंपोनेंट कहां पर कनेक्ट करना है और एक कैसे वर्क करता है, और इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्टली आता है या नहीं आता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। दोस्तों, अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं ले रहा हूँ पहले चार डायोड, जो कि 1N4007 का डायोड है, जो कि आपको आसानी से मार्केट पर मिल जाएंगे और ये 2 रुपये में आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले मैं ब्रिज रेक्टिफायर बना लेता हूँ, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो प्योर DC होगा। तो ये रहा हमारा ब्रिज एक्टिफायर, जो कि बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का जो कैथोड वाला साइड है, ये है इसका पॉजिटिव आउटपुट, और जो एनोड वाला साइड है ये है नेगेटिव आउटपुट, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों का कैथोड, दोनों का एनोड यहाँ पर है और दोनों का कैथोड यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी ये जो दो साइड बचा हुआ, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, अभी मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ जो कि 105J का है। ये आपको मार्केट पर आसानी से 8 से 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो इसको मैं इस रेक्टिफायर के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी ले रहा हूँ एक 1 MΩ का एक रेजिस्टर है। आप देख सकते हो इसका कलर कोड क्या है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। यह है 1 MΩ का एक रेजिस्टेंस है, और इसको मैं इस कैपेसिटर पर पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी इसी तरह कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, अभी मैं ले रहा हूँ एक 10 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। यह 1 वाट का और 10 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फ्यूज की तरह। अगर आउटसाइड पर किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज की तरह वर्क करेगा। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस नहीं है तो बिना रेजिस्टेंस के भी आप इसको बना सकते हो। ये रेजिस्टेंस मैं सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम लेते हैं कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। यह 470 μF 25 वोल्ट का। अगर आपके पास 470 μF का नहीं है तो आप 1000 μF का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका देख सकते हो दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव का, ये वाला जो कि बड़ा वाला है पॉजिटिव, और छोटा वाला है नेगेटिव। या फिर जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये वाला है नेगेटिव और उसके अपोजिट जो होता है ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अब हम रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो रेक्टिफायर का आप पॉजिटिव देख सकते हो, जो कि इसका कैथोड वाला साइड है, दोनों का कैथोड ये है पॉजिटिव, और दोनों का जहाँ पर एनोड है ये है नेगेटिव का। दोस्तों, अभी हम लेते हैं एक जेनो डायोड, जो कि 12 वोल्ट का है। मुझे इसके एक्रॉस में 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का जेनो डायोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आप 9 वोल्ट का जेनो डायोड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो एनोड है उसे आपको नेगेटिव पर कनेक्ट करना होगा, और इसका जो कैथोड है इसे आपको पॉजिटिव पर कनेक्ट करना होगा। ये रेक्टिफायर का आउटपुट पर कनेक्ट होगा, या फिर आप इसको कैपेसिटर के एक्रॉस पर भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये ध्यान रखिए कि डायोड का जो एनोड है उसे आप कैपेसिटर के नेगेटिव पर कनेक्ट कीजिए, और इसका जो कैथोड है उसे आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट करना होगा। तो लगभग ये 80% अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जो 20% बाकी है इसको हम बाद में करेंगे। तो अभी पहले इसका मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर MDF बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास MDF बोर्ड नहीं है तो आप थोड़ा सा प्लास्टिक का बॉक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, हमारा बॉक्स अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक LED ले रहा हूँ, जो कि 5 mm का रेड कलर का LED है। तो इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और इसके चारों ओर थोड़ा
सुपर ग्लू हम दे देते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। दोस्तों अभी मैं ले रहा हूँ एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और इसको लेकर के एलईडी का जो पॉजिटिव है वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी 2 पीस वायर लेकर के इसका जो पॉजिटिव है एलईडी का और जो नेगेटिव है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि सर्किट पर कनेक्शन करने में आसानी हो। दोस्तों अभी मैं 2 पीस वायर ले रहा हूँ जो कि इनपुट का वायर होगा, ठीक है। तो इन दोनों वायर को मैं एक 2 पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। Shiny where you wanna go, 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 go. London, Paris, Tokyo, oh, shiny we could go. Don't need no luggage, na 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 na. No need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. ठीक है, तो अभी हम अपना सर्किट लेते हैं। तो ये जो इनपुट वाला वायर है इसके किसी एक वायर को हम इस रेजिस्टेंस पर कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो दूसरा वायर है इसको मैं इस रेक्टिफायर का जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हम इसके आउटपुट के वायर को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला है नेगेटिव है तो इसको मैं कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और जो रेड वायर है इसको मैं कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और हमारा जो एलईडी है इसका भी पॉजिटिव को मैं कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और जो नेगेटिव है उसको मैं कैपेसिटर के नेगेटिव या फिर रेक्टिफायर के नेगेटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ। Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody. तो अभी इसके ऊपर का कवर लगा लेता हूँ। दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। तो कलर करने से पहले मैंने इसको थोड़ा टेप लगाकर कवर कर लिया ताकि ये जो ओयर और जो एलईडी है ये कलर ना हो जाए, ठीक है। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये कितना सुंदर दिख रहा है ब्लैक कलर पे। तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने के लिए कि वाकई में हमको 12 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम दे रहा है। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर ले रहा हूँ और इस मल्टीमीटर को ये जो पावर सप्लाई हमने बनाया है इसके आउटपुट पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव और इसको मैं DC वोल्टेज पर सेट करता हूँ। तो अभी मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें पावर आ चुका है। यहाँ पर शो कर रहा है 13.6, लगभग ये 12 वोल्ट के आसपास ही आ रहा है, यानी कि 12 वोल्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है जिसके वजह से वोल्टेज थोड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर एक लोड को कनेक्ट कर देंगे, किसी तरह कोई लोड यहाँ पर हम अगर कनेक्ट करते हैं तो इसका जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा और 12 वोल्ट के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का चेक कर लिया है, यहाँ पर 12 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट आ रहा है। तो अभी चलिए हम कुछ लोड देख करके देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का LED ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव को मैं इसके पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो लाइट दोस्तों ये जो LED है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो मैं इसको पावर से ले देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ग्लो कर रहा है। तो अभी चारों ओर लाइट जल रहा है, इसी की वजह से इसका जो लाइट है वो कम आ रहा है। अगर आप अंधेरे में देखोगे तो इसका जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा आता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर आउटपुट जो है 12 वोल्ट मिल रहा है जिसके वजह से आप कोई भी 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर किसी जगह कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो सीधा यहाँ से 220 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर से 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना
कैसे हम 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई ट्रांसफार्मर के। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत सारे शेयर भी ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा शेयर कर दीजिए फटाफट से।